रहमान रहीम जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम है करकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आज हमारा एक हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें अवेयरनेस फैलाने के हवाले से। तो आज से हम मुख्तलिफ लोगों की राय लेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहे हैं और इसके वजह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ आइडियाज़ लेते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक से हम इनका नॉलेज गेन करके आगे आप लोगों तक पहुँचाएंगे। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? तबीयत ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्रिया। अच्छा भाई, आपके ख्याल में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके वजूहत क्या हो सकते हैं? इसके जो है क्लाइमेट चेंज के वजूहत अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो 18th century के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जो है आगाज़ हुआ, दुनिया में तरक्की हुई, लोगों ने नए नए इजादात किए, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हुई, फैक्ट्रीज ज़्यादा बनी, जैसे जैसे तरक्की हुई तो जो है इमिशंस भी ज़्यादा होती हुई जो है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो कि 5 बेसिक इमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरिनेटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे जो है गैसेस, इनकी तादाद जब ज़्यादा हुई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हुई, स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है और अमेरिका, ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इमिशंस ज़्यादा की, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये जो है इमिशंस की वजह से ये गैसेस है आसमान में उन्होंने एक लेयर बनाया हुआ है। जिस तरह हम सर्दियों में जैसे सर्दी लगती है तो कंबल ओढ़ते हैं हम, फिर धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, इसी तरह अर्थ के साथ भी यही हुआ कि ये जो गैसेस थे इन्होंने एक तरह का कंबल टाइप का बनाया, लेयर बना अर्थ के, और ऐसा हुआ कि जो सन रेस जो आते हैं 40% जो है 100% जो सनरेज आते हैं उनमें से 40% रिक्वायर होती है ज़मीन को, ये दरख्त जो हैं ये यूज़ करते हैं, तो जो आप देख सकते हैं ग्रीनरी। फर्दर जो 60% जो जो हीट होता है वो रिक्वायर नहीं होता, उसे एटमॉस्फेयर से दोबारा वापस जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो है गैसेस हैं इन्होंने बैरियर का काम किया, इन्होंने इन गैसेस को जाने नहीं दिया, नतीजतन ये गैसेस चूँकि गैसेस वापस एटमॉस्फेयर से नहीं जाने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है हीट ट्रैप किया उन्होंने और अर्थ का टेम्परेचर राइज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, तो ये जो है बेसिक रीज़न है क्लाइमेट चेंज का, ग्रीन हाउस गैसेस का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने का, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हो? ठीक हो? भाई आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जिसे उर्दू में कहते हैं मौसमियाती तब्दीली, जी इसकी वजूहत क्या हो सकती है आपके ख्याल में? जी इसकी तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, सारी दुनिया मुतासर हो रही है, स्पेशली वो एरियाज मुतासर हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुताबिक सबसे पहले वो रियाज होते हैं जो हाइट पर होते हैं, ठीक है ना। इसकी अगर आप बात की बात करें तो बिहार के इसके बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लग जाते हैं उसके अंदर से ऐसे मतलब होती हैं ऊपर जाती हैं और जाती हैं ओजोन लेयर होता है जिसकी वजह से ऊपर जो सन की तरफ से जाता हुआ रेस, ठीक है ना, वो नीचे जो ओजोन लेयर होता है वो उनको नीचे आने नहीं दे रहा होता है, जो गैसेस होती हैं आम होती हाई वॉल्यूम रेडिएशन होती है उनको ये अर्थ में आने को नहीं देता, जब ये गैसेस को जब माना कर देते हैं ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है इसके अंदर जैसे मतलब निकल करके लिए ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, लोड भी होते हैं, लोड भी उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्टेशन होती है, स्टेशन की वजह से जो हमारा चेंज हो रहा है, ये वजूहत हैं और भी इसके बहुत सारे वजूहत हैं। थैंक यू भाई, हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम।
वालेकुम सलाम। भाई ठीक हो? तबीयत ठीक हो आपके? अच्छा भाई, जो आजकल क्लाइमेट चेंज का नाम सुनते आ रहे हैं, हर जगह पे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, आपके ख्याल में इसका वजूहत क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज के तो बहुत से वजूहत में सर सब सकते हैं। हमारे पास पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, दूसरे चीज़ों से प्रोड्यूस होते हैं, पॉल्यूशन जी हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वायरमेंट आपकी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की पैदा बढ़ जाती है। दूसरा हमारे पास जो है और पॉपुलेशन है, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद फिर इंडस्ट्रीज़ को बनाना पड़ता है। उसमें ये और दूसरी जो वजह है वो हमारे पास मुझे जो लगता है वो हमारे पास फ्यूल का, जो हमारे पास नेचुरल वेस्ट फ्यूल का ज़्यादा यूज़ है फ्यूल। इसके बदले अगर हम सोलर पे चले जाएँ या विंड एनर्जी पे चले जाएँ तो हो सकता है हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो कम हो, लेकिन हम ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 90% जो इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर हम इंडस्ट्री को देते हैं वो फ्यूल से देते हैं। तो फ्यूल जो मेजर रीज़न है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसी की वजह से मुझे जो लगता है मसला है वो फ्यूल में जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उनको हम यूज़ करें, जैसे सन है, सोलर एनर्जी है। तो फ्यूल जो मेजर रीज़न है वो फ्यूल है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का आपका, थैंक यू।